अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। कैसा थिएटर है, ना समोसे ना पॉपकॉर्न। यस, तू मस्त तलवारबाजी बतावे छे, मजा आ गयो। जिगनी, ये कोई नया एक्टर है क्या? हमने पहले तो कभी इसे देखा नहीं। कौन से हो? कोई भी छोड़ना, मस्ती करो यार। छोड़ा। हवा के परों पर उड़कर मुझ तक पहुंची है तारीफ तुम्हारी। अरे क्या बात है, हवा, हवा, क्या बात है। कबीर यादव। आप पिक्चर में थी? अबे, ये सच में मार दिया बे। रुबीर भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सोनम बहन की कसम का मान रखा तुमने, लेकिन उसके लिए पूरे 50,000 रुपए भी लिए। ये कैसे बताइए? शादियां तुड़वाने के लिए यही रेट है ना तुम्हारा? इतने कम पैसों के लिए इतनी मेहनत। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, करोगे तो पूरे 50 लाख मिलेंगे। 50 लाख? लेकिन हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। थ्रो देम आउट। अच्छा, रोक लो। क्या कर रहे हो कबीर? मैडम जी, क्वीन कहते हैं मुझे। क्वीन जी, इतने सारे पैसे दे रही हैं आप हमें, तो काम तो थोड़ा टेढ़ा होगा ना। आज से ठीक 1 महीने बाद केसर 21 साल की हो जाएगी, और उससे पहले वो हमें चाहिए, वो भी जिंदा। केसर को तुम पर भरोसा है, तो ये काम करने में तुम्हें आसानी होगी, है ना? अरे बिल्कुल कर सकते हैं, 50 लाख रुपए दे रही हैं आप हमें, 1 महीने से पहले ही आपको लाके दे देंगे जिंदा। यही उम्मीद थी तुमसे। अभी चलते हैं हम। टाटा। बाय भैया जी। पर कबीर, अगर मुझे धोखा देने का ख्याल भी तुम्हारे मन में आए, तो आज जो पिक्चर तुमने देखी है उसे याद कर लेना। भाई, तूने उसे हाँ तो नहीं बोल दिया ना? अरे पागल है क्या, जो इतने बड़े काम के लिए हाँ बोल देगा? अरे सब पता है, वो क्वीन कितनी खतरनाक है ना कबीर? यार मच्छन, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था यार, हमने हाँ कह दी। अबे तमी, हाँ की तू इन्हें, थारो दिमाग खराब थे गई उछे। अरे हाँ नहीं कहते तो और क्या करते यार, हम नहीं जाते तो किसी और को भेज देती। और ये केसर की जिंदगी का सवाल और हमारी जिंदगी का क्या कबीर? तुझे अंदाजा भी तो ना, हम सबको कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। ए अंबे मां, अब हमारा क्या होगा? हमें केसर को बताना होगा। वाह, सच में अंबिका भाभी, कितने अच्छे संस्कार दिए आपने केसर को। लगता है इसे एक अच्छी बहू बनाने का संकल्प पूरा करके रहेंगी आप। क्या मुझे हेतल? मैं तो वैसी ही हैं जैसी हमेशा से थी, बिल्कुल बदली नहीं।
आप भी बिल्कुल नहीं बदली माँ, आपके तानों में अब भी उतनी ही धार है। क्यों है तलवाबी, आ कहीं समय छे आवानो? मेहमानों के साथ आ रही हैं आप? एक मेहमान अच्छा ना, त्योहार के त्योहार यहाँ आती है, खुशियां मनाती हैं और फिर अपने घर चली जाती हैं। हेतल तू अकेली आई? जिनेश भाई और ध्रुवी नहीं आए? बस आते ही होंगे। अरे केसर, पूजा की तैयारी तो बहुत अच्छी की है तूने। हेतल वो तुझे शादी के बाद का अपना पहला गौरी व्रत याद छे ना? भूख के कारण बेहाल हो गई थी तू और चांद निकलने से पहले ही व्रत तोड़ी ना क्यों तू? अन्याय केसर से निर्जला व्रत रखा है इसने, फिर भी सारा काम इतनी लगन से कर रही है। बड़ों से तो तूने कुछ सीखा नहीं, छोटों से ही कुछ सीख ले, छोटी नहीं हो जाएगी, समझी? को भी ये अपनी तरफ खींच रही है। ना 20 साल पहले आप घर का बंटवारा करवाती और ना ही अंबिका भाभी इस केसर को बहू बनाने का संकल्प लेकर इस घर में लाती। अरे बा, आपको बोला था आज व्रत रखिए। बा, आपका बीपी आजकल वैसे ही लो रहता है, ऊपर से ये व्रत। मुझे मेरे पति के लिए व्रत रखने से कोई रोक नहीं सकता, ना ब्लड प्रेशर और ना ही आप लोगों का इमोशनल प्रेशर। केसर, केसर, अब मजा चखाती हूँ इसे मैं। ऐसा घनघोर अनर्थ, वो भी गौरी व्रत की पूजा में। शू थयो हेतल काकी? शू थयो? अंबिका भाभी, जयती बेन, जिनल भाभी, बा, अरे बताओ इस लड़की को कि कितना बड़ा पाप है ये। ये केसर की काकी है, सासबहू सीरियल की विलन। सूट है वो हेतल वो, क्यों चिल्ला रही है? क्या हुआ हेतल? अंबिका भाभी, देखिए, आप खुद देखिए इस केसर ने कितना बड़ा अपशगुन किया है। आप खुद देख लो, अरे इस पूजा की सामग्री में टूटे हुए चावल रखे इसने। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।